बिल्कुल मुर्गा सा लग रहा है छोटा सा। चेक दिस आउट गाइस, डेजी मैम। हैप्पी मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज है 19 अक्टूबर और टाइम हो रहा है 1:30, और आप सोच रहे होंगे कि दोपहर उठते ही इसने चश्मा कैसे पहन लिया। अपन स्टाइल में रहते हैं हमेशा, स्टाइल में हम स्टाइल मेंटेन रखते हैं अपना, तो इसीलिए मैंने अपना चश्मा पहना है और इग्नोर करना है इस चीज़ को। इसलिए मेरी आंखें मोटी मोटी सी हो रही है, इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया कि जिससे आपको अजीब अजीब से ना लगे। इसीलिए अक्टूबर इज कमिंग टू एन एंड, और अभी भी पंखे चल रहे हैं वो भी फुल स्पीड में। लाइक गर्मी अभी थोड़े दिन पहले ठंड आ गई थी, अब फिर वापस से गर्मी आ गई है, दिवाली आने वाली है। लाइक मैंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, गर्मी लग रही है, पंखे फुल स्पीड में चल रहे हैं। क्या हो रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग? तो गाइस एनीवेज चलो चलते हैं नीचे, मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर में। फ्रेश होने के बाद बिल्कुल फ्रेशनेस ले आएंगे मुँह पे, नहा धो के मिलता हूँ आपसे। गाइस मम्मी ने दोनों को बाहर निकाल दिया, बाहर बैठे हुए दोनों, दो गेट बंद है। बाहर क्यों निकाल दे तुम दोनों को? हैं एमएक्स बाहर निकाल दे बच्चों को, हैं बाहर निकाल दे बच्चों को मम्मी ने। दिवाली सफाई के साइड इफेक्ट्स, मेरे रूम से पर्दे गायब हो चुके हैं, धुलने के लिए गए हुए हैं। सबसे पहले कर देते हैं गीजर ऑन। हो गया, मैं जस्ट अभी नहाने जाने वाला था और अभी मम्मी ने बताया कि मैक्स और डेजी काफी दिन से नहीं नहाए हैं, तो इन दोनों को नहलाना भी है। मम्मी नहा चुकी हैं ऑलरेडी, तो वो इनको नहला नहीं सकती, और मैं अभी नहाया नहीं हूँ तो मैं नहला सकता हूँ। तो चलो अब इनको नहलाते हैं फटाफट से, सिल्की सिल्की बाल बना देते हैं इनके। खड़ी हो मैडम, खड़ी हो, आ जा डेजी, जल्दी आ जल्दी आ, चलो आओ आओ जल्दी आओ। दोनों पट्टे बांधी बांध के रेडी हो गए नहाने के लिए, यहाँ पे नहलाएंगे इनको। डेजी नहाएगी अब, नहाएगी। मैक्स मैक्स पहले पहले तेरी 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 बारी, पहले मैक्स की बारी है, पहले मैक्स नहाएगा। तो गाइस मैक्स नहा चुका है, मैक्स के तो कैसे लग रहा है, मुश्ती सा बिल्कुल। मैक्स नहा के अभी अभी आया, और देखो इसके बाल कैसे हो गए। बिल्कुल मुर्गा सा लग रहा है छोटा सा, जब बाल फैले रहते जब तो अलग ही लगता है बिल्कुल। अब देखो कैसा लग रहा है मैक्स, नहला दिया तुझे। ओए अब डेजी की बारी है, अब डेजी की बारी है, चल डेजी। डेजी तो एक्साइटेड है पूरी नहाने के लिए, इसे बड़ा मजा आता है नहाने में, ये इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता नहाने से। माली छोरी माली, थोड़ा पानी डाल ले पहले। डेजी की फोम वॉश करती है, अपने फोम वॉश। डेजी पर शरीर पूछवा ले, चल शरीर पूछवा ले। अब डेजी और मैक्स के लगेगा हेयर ड्रायर। डेजी तो डरती है इससे सीरियसली, बट कोई नहीं, लगाना तो पड़ेगा, सुखाना है तो। अब डेजी की बारी, अब डेजी की बारी, अब डेजी को सुखाया जाएगा, हाँ कंघा भी मारा जाएगा, सुखाया भी जाएगा, डेजी के बाल बिल्कुल सिल्की सिल्की कर दिए जाएंगे, है ना डेजी? इधर डेजी तो कुछ भी नहीं कहती है, डेजी कितनी बढ़िया है, देखो डेजी पूछ लाती है। मैं भी नहा धो के आ चुका हूँ, डेजी मैक्स भी नहा चुके हैं, और अब फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, 3 बज रहे हैं और 3 बजे तो मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। सीरियसली लोगों का लंच भी हो चुका होता है, मेरा हो रहा है ब्रेकफास्ट, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है, आलू गोभी बने और उसके बाद पराठे और चाय, बहुत बढ़िया और साथ ब्रेकफास्ट है, तो खाते हैं और मिलते हैं आपसे फिर। डेजी मैम आप कुछ ग्रूमिंग टिप्स देना चाहेंगी अपनी ऑडियंस को, बताइए। मेरे कमरे के पर्दे तो उतर गए थे, बाकी कमरों के पर्दे रह रहे थे और मेन गेट के पर्दे रह रहे थे, तो उनको उतार देता हूँ फटाफट से, वो भी मम्मी धो देंगी। यहाँ के उतार दिए, अब यहाँ के उतार देता हूँ। तो गाइस अब सबसे बड़ा चैलेंज है इन दोनों पर्दों को उतारना, ये है बहुत ज़्यादा हाइट पे, अब इनके इनके लिए कुछ ट्रिक ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखता हूँ गेट वेट पे चढ़ के निकालता हूँ इसको, बस भयंकर हालत खराब होगी, सच में डर लग रहा था। निकाल तो दिया गाइस, अब लगाने में तोते फेल हो जाएंगे। तो गाइस अपनी अलमारी के ना हैंडल टूट गए हैं, तो ये हैंडल ऐसे हैंडल लेके आने दो और यहाँ के वापस से फिट कर देंगे। अलमारी खोलने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गाइस हार्डवेयर स्टोर पे पहुंच गए हैं, पहले हैंडल चाहिए दो इसी साइज के सेम। गाइस उस दुकान पे तो मिले नहीं, दूसरी दुकान पे जाते हैं, वहां पे ट्राई करेंगे, वहां पे मिलते हैं या नहीं। गाइस इस दुकान पे गाइस वहां तो कुछ हुआ नहीं,
अब चलते हैं बाकी कुछ और सामान लेने। अपना हैंडल तो मिल नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है उस साइज़ का। आई थिंक ना मम्मी ने बोला है पिज्ज़ा के लिए ना सामान लेके आ जाए, पिज्ज़ा का सामान लेके आते हैं फटाफट से। पिज्ज़ा का सामान तो इजीली मिल जाता है, उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल तो था उसी में सर, हैंडल में। अगर कोई नहीं मिला, नहीं मिला कोई नहीं, अब पिज्ज़ा खाएंगे घर जाके तसल्ली से बना के। बस कॉर्न और शिमला मिर्च ले लेता हूँ। तो भाई स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च भी ले लिया है। तो गाइस अब मैं घर आ चुका हूँ और अब बनाएंगे हम लोग मस्त सा पिज्ज़ा, और बिल्कुल ही डोमिनोज स्टाइल का पिज़्ज़ा बनाएंगे। सारा सामान मैं लेके आ चुका हूँ और अब बनाएंगे मस्त सा पिज़्ज़ा। देखो दिखाता हूँ आपको, तैयारियाँ मम्मी ने पूरी की पूरी कर दी है, सब्जी वब्जी काट के रख दी है, ओवन भी हमने प्रीहीट कर दिया है। तो अब बनाते हैं पिज़्ज़ा। ये रहा पिज़्ज़ा सॉस, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, टमाटर, प्याज सब के सब रख दिए हैं और इस पर फैला दिया पिज़्ज़ा सॉस। और अब फटाफट से इसकी मेकिंग करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको पिज़्ज़ा कितना टेस्टी बन रहा है। ये तो अभी से ही डिलीशियस सा लग रहा है। सामान तो ये है मोज़रेला चीज़, इसी से तो आता है सारा के सारा टेस्ट। इतना बढ़िया लग रहा है देखने में गाइस, अब ये पकने के बाद तो और भी बढ़िया लगेगा। ठिकानों भी डाल दिया है, अब इसको शिफ्ट करते हैं इसके ऊपर, ग्रिल के ऊपर 10 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे रख देते हैं इसको। घूमना स्टार्ट हो गया है गाइस, अपन का पिज्जा बन के रेडी हो गया है। कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, पूरा डोमिनोज लग रहा है तो भाई, उससे भी नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और घर से बनाया तो काफी ज्यादा हेल्दी है। और चलो इसे खाते हैं, इसका टेस्ट का रिव्यू देते हैं आपको। गाइस का टेस्ट है सीरियसली, इतना टेस्टी पिज्जा नहीं बना कभी भी पहले भी, बाजार से भी ज्यादा टेस्टी है, मजा आ रहा है सीरियसली। वाओ कैसा लग रहा है मम्मी, मजा आ गया। एनीवेज गाइस पिज्जा वीजा हमने खा लिया था, काफी ज्यादा टेस्टी बना था सीरियसली, डोमिनोज से भी बढ़िया बना था। पहली बार इतना ज्यादा टेस्टी पिज्जा बनाया घर पे। और चलो अब ऑफिस से काम कर लेते हैं, 6:30 से ऊपर हो गया टाइम मेरे को ऑफिस में काम करने बैठना है। तो चलो अब ऑफिस से काम करते हैं सबसे पहले, अब सीधा मैं डिनर पे मिलूंगा आपसे। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:30 और काफ़ी नींद सी आने लगी है अभी से ही, तो एक कॉफ़ी बना लेते हैं, बढ़िया स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बना लेते हैं। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो वीकनेस फील होने लग जाती है। और मौसम चेंज होने की वजह से काफ़ी आलस आलस सा आया रहता है, तो नींद काफ़ी जल्दी आने लग जाती है। और आजकल थोड़ा सा ना काम भी ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से भी जल्दी नींद आने लग जाती है। तो फटाफट से एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाते हैं एकदम। तो गाइस मैंने कॉफ़ी पी ली और फुल ऑन एनर्जी आ चुकी है। और एक चीज़ मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस तो अपलोड हो रहे हैं और लोग देख रहे हैं, भले ही कम लोग देख रहे हो लेकिन जो भी देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। गाइस सब्सक्राइब करो, शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो। मैंने इतनी सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पर कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, जिससे कि आप सबको एंटरटेनमेंट मिल सके। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। तो चलो काम कर लेते हैं अपना, और आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, इट्स फ्री, तो आपको कुछ पैसा नहीं देना उसके लिए, आपको सब फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एक चीज़ का, तो आप फ्री में सब्सक्रिप्शन के मज़े ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट, कितनी तगड़ी स्पीड आ रही है, डाउनलोडिंग स्पीड 157 Mbps। गाइस ये स्पीड तो इतनी ज़्यादा है सीरियसली, बस क्लिक करने की दे रही है, कोई भी चीज़ ऐसे डाउनलोड हो जाएगी, ऐसे ऐप स्टोर पे एक चीज़ पे क्लिक कर दो ऐसे डाउनलोड हो जाता है ऐप, तो फटाफट से डाउनलोड हो जाता है, पता भी नहीं लगता कितनी देर लग जाती है डाउनलोड में। ऐप 4G में क्या था, 4G में स्पीड कम आती है डाउनलोडिंग की, बट 5G में तो क्या स्पीड आती है, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। सुबह के बज रहे हैं 4 और मेरा काम खत्म हो गया और अब मेरे को आ रही बहुत ज़्यादा नींद, तो मेरे को सो जाना चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, जो है क्रैकर्स, आई गॉट इट। मेरे पास कुछ क्रैकर्स हैं जो कि मैं दिवाली पे फोड़ने वाला हूँ। तो चलो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को, एंड आई होप आपको ऐसा वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अगर पसंद आ रही तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करें। तो चलो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।